I taught you about blood. So blood is a type of fluid connective tissue. Blood में जो है the main composition of blood is blood cells and plasma. And there are different types of blood cells. मैंने बताया था erythrocyte और leukocyte. और दूसरी चीज क्या है platelets. Erythrocyte, leukocyte और thrombocyte. Platelets को क्या कहते हैं thrombocyte. ये सारी चीजें मैंने कल आपको बताई थी. आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे. आज मैं उसे म्यूट कर लो सब अपना. यस, क्या क्वेश्चन है आपका? आज मैं आपको जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ. ब्लड में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है वो चीज मैं आपको बताऊंगा. ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक है. द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन. ब्लड एक मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट जो भी हमारे बॉडी में जरूरत है नॉर ओनली ऑक्सीजन बट द वेस्ट मेटेरियल्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस नाइट्रोजनस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड सबका जो ट्रांसपोर्ट होता है इसी ब्लड से होता है. ध्यान से समझें बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ब्लड में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड सर्कुलेशन से सिर्फ ऑक्सीजन ही ब्लड बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचता बल्कि जितनी भी और सारी चीजें हैं जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फूड ये सब ब्लड के प्लाज्मा में मिक्स होके हर बॉडी टिश्यू के पास बॉडी के पास सारे ऑर्गन्स के पास ये पहुंचता है. सो टॉपिक्स कम्स अंडर किसके अंदर आता है ये ट्रांसपोर्टेशन. इसलिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन हमें पढ़ना है. बहरहाल देर आर थ्री मेन इम्पोर्टेंट अंडर ट्रांसपोर्टेशन. आप कह लीजिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन इम्पोर्टेंट चीज है. पहला है ब्लड. ब्लड के बारे में हमें जानना है क्या है ब्लड. ब्लड के बारे में आप जान चुके हैं बताया गया. दूसरा ब्लड वेसल और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के हार्ट है. सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन मेन पार्ट्स मैंने बताया तीन मेन ऑर्गन्स मैंने बताया तीन मेन टिश्यूज मैंने बताया आपको ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ठीक है, ब्लड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. तो ब्लड के बारे में नाइन्थ में भी आपने पढ़ा है कल भी मैंने बताया था कि ब्लड क्या है. ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है. ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स हैं ये बताया. सारे सेल्स के अलग अलग काम है प्लाज्मा का अलग काम. फिर जो है ब्लड वेसल्स के टाइप्स आपको पढ़ना है और हार्ट के बारे में पढ़ना है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको जो ये पढ़ना है आज वो हार्ट है. क्या है? हार्ट है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हार्ट पढ़ना सिस्टम. ये अब इसके बारे में जो आपको नॉलेज रखनी है कि व्हाट इज हार्ट. हार्ट क्या है? तो इट इज मस्कुलर ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मस्कुलर ऑर्गन है या मेन पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. आप किसी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक मेन पार्ट है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है? ये एक मेन पार्ट है. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट है. फिर ये बताना है ये फिस्ट. फिस्ट मतलब समझते हैं मुक्का. जब हम अपने हाथों को मोड़ते हैं सिमटते हैं तो फिस्ट बनता है. तो फिस्ट के साइज का होता है. ये कितना बड़ा होता है? हमारे फिस्ट के साइज का होता है. बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. क्यों होता है इतना बड़ा? क्योंकि बोथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम ये समझते थे कि सिर्फ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इससे सप्लाई होता है. नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है.
कैसे होता है, क्यों होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ऐसा इसलिए वो इतना बड़ा होता है और अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। आप देखिए, देर आर फोर चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट, इंसान के शरीर में चार चैम्बर्स होते हैं, ये पहले बताया गया है। आर्ट्रियम्स दो होते हैं, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम। वेंट्रिकल्स दो होते हैं, जो नीचे में जो दिख रहा है आपको, आई थिंक आप लोग बुक्स पे देख रहे हैं, ठीक है, तो नीचे में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, नीचे में जो आपको ये आरटीएम है, ये वेंट्रिकल है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम, इधर राइट आर्ट्रियम, बल्कि राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट, देयर दीज आर द फोर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जिंदगी जीवन भर में कभी नहीं भूलना है, चार चैम्बर्स हमारे हार्ट में होता है। इंसानों के हार्ट के बारे में बात हो रही है, पूरे एनिमल्स या पूरे ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं। हमने जब क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था आपको कि जो है एनिमल्स में क्या होता है, फिर बर्ड्स में क्या होता है, फिर जो है आप जो है एम्फीबियंस में क्या होता है, वो अलग अलग होता है। तो ह्यूमन बींग्स जो है एनिमल्स यानी क्लासिफिकेशन में बताया गया है उसमें उस ग्रुप में आता है, मैमल्स के ग्रुप में आता है। तो मैमल्स के क्या होते हैं, फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की सप्लाई इससे होती है, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है ना। ये पंप करता है, दिस इज आवर पंपिंग ऑर्गन, आवर पंप लिखा हुआ है ना टॉपिक में, दिस इज आवर पंप। तो पंप का मतलब क्या होता है आप समझिए, पंप का मतलब है कि ये सिकुड़ता और फैलता है, सिकुड़ता और फैलता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, सो दैट एक प्रेशर जनरेट हो। प्रेशर जनरेट करने के बाद पूरे बॉडी ऑर्गन तक हार्ट जो है ब्लड को पहुंचा सके, पूरे बॉडी ऑर्गन तक हार्ट ब्लड को पहुंचा सके, सो ये हार्ट जो है पंप करता है, ठीक है। अब ये समझना है कि कैसे ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स। आप ये समझिए, जो ब्लड हमारे हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिक्स होता है उसको कहाँ पहुंचना है, उस ब्लड को लंग्स में पहुंचना है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिक्स है वो ब्लड पहुंचता है। हार्ट दो जगह ब्लड को पहुंचाता है, एक कहाँ लंग्स को पहुंचाता है और एक पूरे बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ब्लड रिच विथ ऑक्सीजन, ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो एक बार हम लोग दो, हमारा हार्ट एक बार में, यानी हम लोग जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं, दो बार सर्कुलेशन होता है। एक बार जब पंप करता है हार्ट तो ब्लड लंग्स को जाता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और एक बार जब पंप करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो अब समझना है कि चैम्बर्स मैंने आपको बताया, लेफ्ट आर्टियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल। अब कहाँ से जो है लंग्स में जाता है, कहाँ से जो है बॉडी पार्ट्स में जाता है, इस चीज को समझना है। इस चीज को समझने के लिए पहले ये आपको जो दिखाया जा रहा है ये चीज समझिए। इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम यहीं पे बनाता हूँ। आप ऐसे समझिए कि ये क्या होता है, फोर चैम्बर हार्ट ऐसे हमारा है। लेफ्ट आरटीएम को मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, लेफ्ट आरटीएम, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल को यहाँ दिखाऊं कि लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट
RTM और राइट वेंट्रिकल, ये फोर चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट्स को, ये बिल्कुल याद रखना है। फोर्थ चैम्बर्स जो है ना वो सेपरेटेड हैं किस चीज से, तो सेप्टम से, सेप्टम से। ये जो ये दोनों जो है लेफ्ट और राइट में जो डिवीजन हो रहा है, ये जो इसको क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ये जो देख रहे हैं, ये जो लेफ्ट और राइट को बांट रहा है वो उसे क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही ये वाल्व्स हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं बता दूं ये क्या है, VALVES वाल्व्स। इसमें बाइकस्पिड वाल्व्स, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं। तो वाल्व्स के बारे में नहीं पढ़ना है। वाल्व का मतलब होता है खुलने और बंद होने वाला। नल जो होता है ना उसमें वाल्व लगा होता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, लेकिन ये सेप्टम हमेशा फिक्स होता है, ये कभी खुलता और बंद नहीं होता है। तो ये बस समझना है कि लेफ्ट आरटीएम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आरटीएम और राइट वेंट्रिकल। अब समझिए, ये वेना कावा लिखा है, दिस इज वेना कावा। तो वेना कावा राइट आरटीएम में खुलता है। वेना कावा एक समझिए ब्लड वेसल है जो कहाँ खुलता है, राइट आरटीएम में खुलता है। तो राइट आरटीएम से यहाँ वाल्व है, ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल, ये क्लोज्ड है, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल को जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ये खुल रहा है, इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी राइट वेंट्रिकल से ब्लड जहां जाता है उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी, जिस वेसल से जाता है उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ रहा होगा आई होप, अगर नहीं आए तो माइक ऑन करके आप पूछेंगे। मैंने ये बताया इसे वेना कावा कहते हैं, जिस वेन से हमारे हार्ट में ब्लड एंटर करता है तो उसे क्या कहते हैं, वेना कावा, VENA वेना कावा। और जिस चैम्बर से ब्लड फिर एग्जिट करता है, बाहर की तरफ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब समझना है व्हाट इज पल्मोनरी वेन एंड व्हाट इज एओर्टा, दो और चीजें। फिर यहाँ पे अब ये एक सर्कुलेशन अलग हो रहा है, समझिए। अब ये हो क्या रहा है कि वेना कावा जो है, यहाँ पे जो ब्लू देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये हमारे बॉडी पार्ट से, वेना कावा क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट आरटीएम में लेके, राइट आरटीएम के बाद क्या करता है कि जो है राइट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाता है। फिर पल्मोनरी, क्या बताया था मैंने, पीए का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी से ये ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड जाता है लंग्स में। किस लिए जाता है लंग्स में, मैंने बताया आपको, ऑक्सीजन से मिक्स होने के लिए जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए जाता है, दो काम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ही होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड देने और ऑक्सीजन लेने जाता है। ये फिर ये कहाँ जाता है, ये लंग्स को जाता है, LUNGS लंग्स में जाता है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है यहाँ पे, आप इसको समझें, ये लंग्स में जाता है, ठीक है ना। अब लंग्स से ये फिर से अब लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, क्वेश्चन हो मैं आपको समय दूंगा, आप पूछेंगे, आप हमसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पहले समझिए कि राइट आर्टरियम में वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में एंटर किया, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को गया, फिर वहां पे लंग्स से किस चीज से ब्लड एंटर किया, तो पल्मोनरी वेन से।
यहाँ जो ब्लड एंटर किया ये जो रास्ता है इसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से जो है हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे हमारे हार्ट में मिला, ठीक है, हार्ट के बारे में पढ़ाई हो रही। फिर जो है ये खुलता है वॉल्व, वॉल्व खुलने के बाद ये कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है पूरे बॉडी के लिए वो एओर्टा से निकलता है, ए ओ आर टी ए। डायग्राम सही नहीं बन रहा है लेकिन आप जो एक्चुअल डायग्राम है बुक में उसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ से एंटर कर रहा है, तीर का निशान दिख रहा है ना, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, एंटर करने के बाद निकल कहाँ से रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड निकल रहा है, लंग्स को जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया है कहाँ जा रहा है, लंग्स को जा रहा है, मैं बता रहा हूँ कहाँ जा रहा है, लंग्स को जा रहा है। लंग्स में ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद फिर जो है बल्कि पल्मोनरी वेन से ये ब्लड फिर एंटर कर रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होके ये ब्लड एओर्टा को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एओर्टा से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच रहा है, ठीक है। आप लोग वहां पे रफ एक डायग्राम बनाएंगे नहीं जब तक, तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई हार्ट्स के बारे में, इसमें और भी सारी चीजें है डिटेल्स में, इसमें इतना डिटेल दिया नहीं है, इतना आपको बताया गया है, ये क्लास 9th में आपको ये सब पढ़ना है, ये सारे चीज। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैं अभी आपको फिर से नोट्स के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा और लिखाऊंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है हार्ट के सर्कुलेशन में, मैंने अभी एक चीज नहीं बताया, यानी ब्लड वेसल्स के बारे में, टाइप्स के बारे में नहीं बताया कितने तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, बल्कि ब्लड के बारे में बता दिया और अभी हार्ट के बारे में आपको बताया, और एक टॉपिक आपको मुझे बताना है अभी इसी दौरान। तो किसी को क्वेश्चन अभी ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 20 लोग कनेक्ट हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। समझ में आया एवरीबॉडी, सुन रहे हैं आप मुझे? अगर समझ में आ गया कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया आप माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं इसको इसके नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप उसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें बेहतर है, और नहीं तो क्या करेंगे इसको जो है लिखें, लिखने का कोशिश करें, नहीं लिखेंगे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सारी सुविधाएं धरी की धरी रह जाएंगी, लिखना पढ़ना ही काम आने वाला है, इसलिए इसके नोट्स आप लोग जो है बिल्कुल बनाएं, ठीक है। तो मैं जो टॉपिक में आपको पढ़ाया हूं उसको मैं लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है टॉपिक, मैंने बताया आपको पढ़ना जो है वो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन। अब बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो मेनली होता है वो ब्लड के थ्रू होता है, काय के थ्रू होता है, ब्लड, ब्लड के थ्रू होता है। तो ब्लड के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ब्लड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से निकलता है, कुछ ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स और सारी चीजें मिक्स होकर पूरे बॉडी को सप्लाई होती है, नाइट्रोजनस वेस्टेज, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, सबका ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड से होता है, इसलिए इस टॉपिक को ट्रांसपोर्टेशन कहा गया। इसमें मेनली जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अब ये मैंने कल बता दिया था, मैं आगे बता रहा हूँ कि जो है मेनली जो आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम आप कह लीजिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें आपको पढ़नी है, एक तो जो है ब्लड के बारे में पढ़ना है फिर से, ये ब्लड, तो ब्लड के बारे में हो चुका था, ये डन है ब्लड क्या है। दूसरा जो पढ़ना है अभी हार्ट के बारे में पढ़ना है, हार्ट के बारे में अभी पढ़ा है। तीसरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं क्या होते हैं उसके बारे में जो मैंने बताया है।
अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट जो है, अब हार्ट का क्या डेफिनेशन है, इट इज मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर ऑर्गन कह सकते हैं, कई चीजें इसको कह सकते हैं, सेंट्रल ऑर्गन कह सकते हैं, सेंट्रल ऑर्गन, ठीक है, सेंट्रल ऑर्गन कह सकते हैं। अब इसके साइज के बारे में बात करें तो इट इज लाइक फिस्ट, मुक्के के साइज का होता है, मुक्का बनाते हैं ना जब हम हाथ को मोड़ के, तो उस साइज का होता है। ये किस मसल का बना होता है वो भी आपको बताया गया, कोई बताएगा किस टाइप के टिश्यू का बना होता है? हमारा जो हार्ट है, कार्डियम, कार्डियम नहीं, और बोला है जो चाहिए आवाज, हमारा जो हार्ट है वो स्पेशल टिश्यू का बना होता है, मसल्स में आपको बताया गया है, कार्डियक मसल, क्या कहते हैं उसे, कार्डियक मसल्स बना होता है हार्ट जो है, इट इज मेड अप ऑफ, आप पूरा लिखेगा ठीक है ना, नोट्स आप करना, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, इट इज सेंट्रल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या मस्कुलर ऑर्गन, इट इज जस्ट लाइक फेस, यस म्यूट करें अगर बात करना है तो, बहुत दिक्कत है आप लोग को पढ़ाने में, म्यूट करें आप लोग। तो कार्डियक मसल आप समझें, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। अब जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है कि हार्ट, वी हैव ह्यूमन बीइंग हैव फोर चैम्बर इन देयर हार्ट, उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, फोर। अब उन चैम्बर्स का नाम मैंने आपको बताया, आप उसको डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, शुरू करते हैं उसको लेफ्ट आर्ट्रियम से, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, आर्ट्रियम्स जो होते हैं आर्ट्रियम, लेफ्ट और राइट, आर्ट्रियम और आर्ट्रियम सर, ATR आर्ट्री, हाँ आर्ट्री, आर्ट्रियम UM, आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम UM, आर्ट्रियम, ठीक है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है, ऐसे नहीं होता है, मतलब क्या, मतलब जो मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ वैसे नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, डायग्राम आप लोग उसमें इसके साथ नोट्स के साथ ड्रॉ करेंगे, अभी मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम में आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, एक मिनट में कोशिश कर रहा हूँ कि डायग्राम जो है आपका आए, लेकिन पॉसिबल है तो आप लोग क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना, डायग्राम को ड्रॉ करके अच्छे से इसमें बनाएंगे नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाना है सभी को, अपना खुद का नोट्स, यहाँ से जो मिलता है वो तो देखना है, पढ़ना है, बनाना है। फंक्शंस मैंने बता दिया, बहुत आसान है फंक्शन, हार्ट के बारे में इतना ही है, फंक्शन को पूरा लिखना होगा लाइन बाय लाइन, आप लोग इसको लिख लेंगे या लिख के दे दूंगी आपको, इसका कैसे काम करता है जो मैंने सर, लिख लेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, डायग्राम को सामने रखेंगे और एक एक लाइन लिखते जाएंगे, सर लेफ्ट वेंट्रिकल का वर्क, लेफ्ट वेंट्रिकल का वर्क अभी आपको नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ, नहीं सर, फिर आपको डायग्राम के तरफ लेके जाना होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें या लिख लें या अभी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिखेंगे, लिखा करें आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग लिखा करें, ठीक है ना, लिखें वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, हो गया, यस सर, तो फिर मैं आपको जो है बुक की तरफ लेके जा रहा हूँ उसके फंक्शन को समझने के लिए, लेफ्ट और राइट दोनों, तो लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम,
लेफ्ट वेंट्रिकल सर आरटीएम नहीं वेंट्रिकल वेंट्रिकल समझना है ना तो आप ऐसे समझो कि लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड आता है फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है आर्ट्रियम लाता है ब्लड को वेंट्रिकल हार्ट से ब्लड ले जाता है यानी ये एंट्री पॉइंट है यहाँ पे आता है ब्लड कहीं से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आएगा ठीक है और वेंट्रिकल क्या करेगा कि फिर उस ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स तक भेजेगा सेंड करेगा हिट करेगा ठीक है समझ में आ रही बात यहाँ पे वाल्व लेफ्ट हैंड आरटीएम से दो बार देखो वो होता है सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन बहुत डीप स्टडी है इसका लब डब की साउंड आती है जब भी जो है कोई आला लगा कर चेक करता है डॉक्टर तो साउंड जो है एक बार में दो साउंड्स आते हैं लब डब ऐसे करके साउंड आता है हार्ट में हार्ट जब पंप करता है तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है इंसान के अंदर दो बार सर्कुलेशन होता है एक बार सब सर्कुलेशन होगा तो क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से लंग्स को जाएगा लंग्स के तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ठीक है ये वाल्व्स मैंने आपको बताया ये बुक में आपके नहीं ये वाल्व्स खुलता और बंद होता है तो एक बार जब ये सर्कुलेशन होता है मतलब एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल्व खुलता है एक बार फिर रिलैक्स करता है तो ये वाल्व बंद होता है फिर नीचे से वाल्व खुलता है और फिर पूरे बॉडी तक जो है पूरे लंग्स ब्लड जो है लंग्स को जाता है फिर लंग्स से एक बार वाल्व ये खुलेगा ऊपर में भी एक वाल्व होता है ये जो दिख रहा है ना पल्मोनरी वेन आपको पॉइंटर दिख रहा है यस सर पल्मोनरी वाल्व यहाँ पे भी एक वाल्व होता है यहाँ भी एक वाल्व सब जगह एक वाल्व होता है जो एंट्री पॉइंट एग्जिट में भी होता है और एंट्री पॉइंट में भी वाल्व का मतलब होता है टिश्यू का एक पतला सा लेयर टिश्यू का एक पतला सा लेयर होता है जिससे ब्लड का अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको अभी ब्लड वेसल्स के बारे में ब्लड वेसल्स के आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं ये वैसे ही डायग्राम है ठीक है ये हमने बता दिया आपको ये जो एंटर कर रहा है पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट कहाँ आता है लेफ्ट या राइट लेफ्ट आरटीएम में हमारे लेफ्ट आरटीएम ये लेफ्ट आरटीएम है ये राइट आरटीएम है लेफ्ट आरटीएम में हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे बॉडी तक एओटा के माध्यम से पूरे बॉडी तक जाता है फिर वहां वेंस इसको कलेक्ट करती हैं और लेफ्ट राइट आरटीएम में अब क्या हो गया ये राइट आरटीएम हो गया तो राइट आरटीएम में ये ब्लड फिर एंटर करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हमारे वेना कावा से होके राइट आरटीएम में एंटर करता है फिर वेंट्रिकल से क्या वेना कावा ये राइट वेंट्रिकल से हमारे फिर पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक बल्कि लंग्स तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लंग्स को फिर ये जा रहा है ना एरो करके फिर ये लंग्स को जाता है कहाँ जाता है लंग्स को जाता है लंग्स तो ये समझ में आ गया आई थिंक अब जो इसमें पढ़ना है आपको ये ब्लड वेसल्स के बारे में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है कि ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं ये आपको जरा सा मुझे प्रैक्टिकली करके देखना होगा ठीक है तो ये डायस्टोल सिस्टोल अब देखो अब ये आ गया ये जो लिखा होता है ना बॉक्स में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं डायस्टोल सिस्टोल किसे कहते हैं हमने बताया ना कि जब हार्ट होता है हार्ट जब पंप करता है तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है तो कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं तो दो तरह का प्रेशर होता है एक लोअर प्रेशर और एक हाई प्रेशर तो हाई प्रेशर 120 mm होता है और लो प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर यानी डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या रिलैक्सेशन वाला प्रेशर 80 होता है लोअर एवरेज जो प्रेशर होना चाहिए एक एडल्ट में कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए और हाई प्रेशर कितना होना चाहिए लो प्रेशर वाला पेशेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि डायस्टोलिक प्रेशर उसका कम
120 से उसका कम प्रेशर हो रहा है सिस्टोलिक प्रेशर, 80 से उसका कम हो रहा है डायस्टोलिक प्रेशर। हाई प्रेशर वाला पेशेंट है तो सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ेगा और डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होते हैं वही हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, ये भी पढ़ना है आपको। अब जिसको ज्यादा, अब जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए, उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो वो मशीन को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। जिसे प्रॉब्लम होता है उसे हाइपरटेंशन। ठीक है ना। अब ये क्यों होता है? जब हमारे आर्टरियोल्स, ब्लड की आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, दब जाती हैं, कोई ट्यूब को अगर हम दाबते हैं जिधर से पानी लिक्विड चीज गुजरता है, अगर उसको हम प्रेस करेंगे तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे ब्लड के आर्टरीज या आर्टरियोल्स क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, फैट वेट जो ज्यादा खाता है तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये जो पढ़ना है आपको कि ब्लड में कितने क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स से कहते हैं आर्टरीज और वेन, दो चीज है ना, क्या है? आर्टरीज और वेन मेनली जो है दो टाइप ब्लड वेसल्स हैं। आप समझिए फिर से, आर्टरीज और वेन्स। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी से कलेक्ट करना। वेन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी से कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उसको कहाँ देना? हार्ट तक पहुंचाना, और हार्ट से लंग्स तक पहुंचाना। समझ रहे हैं? वेन्स, वेन्स, VENS यहाँ लिखा भी हुआ, आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ें, बुक दे दिया हूं मैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ठीक है, ये करता है। और आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाना। आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम आर्टरीज करती है, ब्लड आर्टरीज। ठीक है, अब एक होता है छोटा कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज। कैपिलरीज क्या है? ब्लड आर्टरीज के क्या है? ब्रांचेस है, ब्रांचेस है। आई होप कि आज आपको ज्यादा अच्छा समझ में आया हो। और इस तरह से आप अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप पूछे, मैं आपको एक दो मिनट का वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो ये क्लासेस जो है खत्म हो जाएंगी। और इसमें फिर आपको करना ये है कि जो है उसके बाद से जो है आप तो बाद आप जो है जो भी क्वेश्चन वेश्चन हो तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में या मैसेज कर देंगे, जिनको भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, दो मिनट की मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको और अच्छे से समझाने के लिए। The circulatory system comprises blood, blood vessels, and the heart. The heart is the central organ for pumping the blood throughout the body. जो blue में आपको दिख रहा है वो क्या है? Blue और red. ब्लू क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में ला रहा है। तो ब्लू वाला क्या हो गया? ब्लू वाला वेन हो गया, ब्लड वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ब्लू ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये ब्लड को वेन्स हो गया सर, मेन वेन है सर, मेन वेन है, ये पूरे ये वेन कहते हैं, VEIN वेन है। आर्टरीज हो गया, आर्टरीज के डिफरेंट टाइप से होता है कैपिलरीज। हार्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स।
Heart pumps liquid blood, a tissue which transports nutrients, gases, etc. The right upper atrium receives deoxygenated blood from whole body, which is pumped into right ventricle below, and it sends the blood to lungs for oxygenation via pulmonary artery. After oxygenation, blood travels through pulmonary vein and is received in upper left chamber, that is left atrium, which pumps it into left atrium. Then it is pumped into aorta, which is source many arteries, which carries oxygenated blood to different parts of body. Arteries get divided into very narrow blood capillaries where exchange of substances takes place. Capillaries form the web-like network to reach maximum cells. Capillaries join together to form veins. Isn't it a sophisticated system?